बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कैट मैथमेटिक्स फॉर ऑल पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट ई कैट नस्ट जी की फास प्यास एट्सेट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट ईयर। जी दी पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/(x²-1) इज हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 1/(x-1) - 1/(x+1). The partial fraction of 1/(x²-1) is 1/(x-1) - 1/(x+1). Your A option is correct. The partial fraction of 1/(x²-1) is 1/(x-1) - 1/(x+1). Your A option is correct. But we have 1/(x²-1). इसके दो जोड़े बनाए x-1, x+1. तो वी राइट a/(x-1) + b/(x+1). नाउ आपने इससे मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1 = a(x+1) + b(x-1). जब x को 1 रखेंगे तो a वैल्यू निकलेगी 1/2। जब x को -1 रखेंगे तो b वैल्यू निकलेगी -1/2। तो योर 1/(x²-1) = 1/2 x-1 - 1/2 x+1। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1/(x²-1) = 1/2 x-1 - 1/2 x+1। Your A option is correct. g(1/(x²-1) = 1/2 x-1 - 1/2 x+1. Your A option is correct. भजन ये और ये तो पॉसिबल नहीं, क्यों? इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो याद है। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी फ्रैक्शन x^(n-2) - a^(n-2) (x^(2) + a^ is improper. ये improper कब होगी? If n is greater equal to 4, ये improper कब होगी? जब n क्या होगा? greater equal to 4 होगा। भाई n 2 होगा, 4 होगा या 4 से क्या बड़ा होगा, तो improper होगा। Your D option is correct. By this fraction is improper if n is greater equal to 4. Your D option is correct. भजन x^(n-2) - a^(n-2) / x²+a² इज इम्प्रॉपर इफ एन इज ग्रेटर इक्वल टू 4। भैया दिस इज इम्प्रॉपर इफ एन इज ग्रेटर इक्वल टू 4, क्योंकि अगर पावर ऊपर वाली बड़ी है या बराबर है तो इम्प्रॉपर, अगर ऊपर वाली पावर छोटी होगी तो वो प्रॉपर होगी। तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज इम्प्रॉपर इफ एन इज ग्रेटर इक्वल टू 4, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। द फ्रैक्शन x^(n-2) - a^(n-2) / x²+a² is improper if n is greater equal to 4. Your D option is correct. The fraction x³ + y³/px is proper fraction. Is proper if polynomial fx by polynomial fx बराबर होगा दी x^4 - y^4, यानी कि C option is correct. This fraction is proper if polynomial fx px बराबर है x^4 - a^4। जब x^4 - a^4 होगा यानी कि नीचे वाली बड़ी होगी ऊपर वाली छोटी होगी तो भाई वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रैक्शन x³ + y³/px इज प्रॉपर इफ पॉलिनोमियल px बराबर होगा x^4 - a^4। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी फ्रैक्शन x³ + y³/px इज प्रॉपर इफ पॉलिनोमियल px बराबर होगा x^4 - y^4। This fraction is proper fraction if polynomial px बराबर होगा x^4 - y^4, यानी कि योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाय दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन इफ पॉलिनोमियल px बराबर होगा x^4 - y^4। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी फ्रैक्शन x³ + y³/px इज प्रॉपर इफ पॉलिनोमियल px बराबर होगा x^4 - y^4। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी इफ 2x - 1 = ax - b + bx इज एन आइडेंटिटी इन x, देन आपने बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट भैया? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इफ 2x - 1 = ax - b + bx इज एन आइडेंटिटी इन x, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? भजन 2x - 1 = ax - b + bx इज एन आइडेंटिटी इन x, तो वही राइट 2x - 1 = a + b (x - b). भाई आपने x और इकट्ठी और कॉन्स्टेंट कर ला देखें, कंपेयरिंग करेंगे तो 2 बराबर होगा जी a प्लस बी के और -1 बराबर होगा -b के। योर b इज 1 एंड योर a इज 1।
बी को जब यहाँ पे वन रखेंगे तो ए वन निकलेगा, तो ए और बी की वैल्यू वन निकलेगी। लिहाजा योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए इज वन एंड योर बी इज वन, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी टू एक्स माइनस वन इज इक्वल ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स इज एन आइडेंटिटी नेक्स्ट, देन आप इनको हल करेंगे तो ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन निकलेगी, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इसको जब हल करेंगे ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, देन ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू वन, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी डोमेन ऑफ ए प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इज, भाई आपने डोमेन ऑफ ए प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इज आपने बताने का विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई डोमेन ऑफ ए प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इज आपने बताने का भाई अब कौन सी फ्रैक्शन करेक्ट है जी, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। भाई डोमेन ऑफ ए प्रॉपर, इसकी डोमेन जो होगी ना रियल में से वन निकाल दें, क्योंकि वन रखते हैं वन माइनस वन जीरो का, तो भैया काम खराब हो जाएगा जी, तो रियल में से वन निकाल लें, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी डोमेन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एफ एक्स हमारे पास है नाइन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब इज, जब रियल में से वन निकाल लें, भाई इसकी जो डोमेन होगी वो रियल में से वन निकाल लें, डोमेन ऑफ ए प्रॉपर इस फंक्शन की जो डोमेन होगी रियल में से वन निकाल लें। भाई वन के ऊपर सिस्टम जो है ना वो डिसकनेक्ट हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, तो रियल में से वन निकाल लें, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी डोमेन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इज, आपने इसमें से भैया डोमेन जो होगी ना वो रियल में से वन निकाल दें, भाई इस फंक्शन की ये जो रैशनल फंक्शन है इसकी डोमेन होगी रियल में से वन निकाल दें, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन, भाई पार्शियल फ्रैक्शन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ये ऑप्शन इज करेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन आइडेंटिटी, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भजन पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भजन पार्शियल फ्रैक्शन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन गिव्स एन आइडेंटिटी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी कंडीशनल इक्वेशन इज ट्रू फॉर एक्स इज इक्वल टू, जी कंडीशनल इक्वेशन या इक्वेशन इज ट्रू फॉर एक्स इज इक्वल टू, किसके लिए ट्रू होगा जी, फॉर एक्स इज इक्वल टू भाई क्या होगा माइनस सेवन, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई कंडीशनल इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन हमारे पास है फोर ओवर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री ओवर एक्स प्लस फोर, नो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट फोर एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइन। भाई जन एक्स को हल करेंगे तो माइनस सेवन निकलेगा, हल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस सेवन, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें वी गेट फोर एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइन, यहाँ से हल करेंगे एक्स की वैल्यू माइनस सेवन निकलेगी, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी कंडीशनल इक्वेशन फोर ओवर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री ओवर एक्स प्लस इज टू ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला से रवायत है, एक आदमी ने मस्जिद में ऐलान किया कि इसने कहा कौन है जो मुझे मेरे सुरख ऊंट का पता बताए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इसे ना पाए, बेशक तो मस्जिदें इसी काम के लिए बनाई गई हैं जिस काम के लिए बनाई गई हैं। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी, हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला से रवायत है, एक आदमी ने मस्जिद में ऐलान किया तो इसने कहा कौन है जो मुझे मेरे सुरख ऊंट का पता बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इसे ना पाए। बेशक मस्जिदों इसी काम के लिए बनाई गई हैं जिस काम के लिए बनाई गई हैं,
मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खरीदो फरोख्त करने से मना फरमाया है और इससे भी इसमें गुमशुदा चीज़ का ऐलान किया जाए या इसमें शेर पड़े जाएं, इसे अबू दाऊद तिरमिज़ी ने रवायत किया और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं यह हदीस हसन सही है, हसन सही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खरीदो फरोख्त करने से मना फरमाया और इससे भी कि इसमें गुमशुदा चीज़ का ऐलान किया जाए या इसमें शेर पड़े जाएं, इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रवायत किया है और इमाम तिरमिज़ी में फरमाते हैं यह हदीस हसन सही है। जी, इसकी तशरीह जो है, बाज़ उलमा ने कहा है हदीस में नहीं कराहत के लिए है, बशर्ते एक मजदूर कामों से मस्जिद में शोरगुल ना हो। अगर शोरगुल होता है हो तो ये तो फिर ये नहीं तहरीम के लिए है। मस्जिद में ऐसे शेर पढ़ने से ममनू हैं जो इश्क व मोहब्बत की दास्तानों और इस किस्म की दीगर चीज़ों पर मबनी होते हैं, वरना अल्लाह ताला की तौहीद और इत्तबाए रसूल वगैरह और इस्लाही मजामीन पर शेर पढ़ने में शर्म कोई मजायका नहीं। मस्जिद में मुसलमानों के मसाइल और मसाले पर गुफ्तगू करने की इजाज़त है क्योंकि इसका ताल्लुक इज्तिमाई फलाहो बहबूद और मुसलमानों के आम फायदे से है, ना कि किसी की ज़ात से। कव्वाली का इस्तेमाल करना भी मस्जिद में करना हराम है, जिसे बाज़ लोग जहालत की वजह से अच्छा काम समझते हैं, क्योंकि इसमें एक तो तबला, सारंगी और साजो म्यूजिकी होते हैं, दूसरे इसमें नहायत गुलू से काम लिया जाता है, तीसरे इसके ज़रिए अवाम की जज्बाती तस्कीन के लिए इन्हें अमल की अहमियत से गाफल किया जाता है। इसके अलावा भी मुतद्दद खराबियां इसमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी दे जी, अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी दे। कुफारा मजलिस की दुआ है, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।